जय चक्रधारी। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल में चक्रधारी में। आज फिर से हम लाए हैं एक और धमाकेदार एपिसोड जिसकी जानकारी आप प्राप्त करेंगे तो निश्चित रूप से आपको बहुत प्रसन्नता होगी। और आज का जो हमारा विषय है वो फिर से चांदी पे है और चांदी का एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो आपके जीवन में बहुत कल्याणकारी साबित हो सकता है। हमारे ऋषियों ने जिसकी खोज करी, हमारे पूर्वज जिसको बना करके गए, जिसका सीधा संबंध आपके ग्रहों से है, जिसका सीधा संबंध आपकी दैनिक दिनचर्या से है, जिसका सीधा संबंध आपके स्वास्थ्य से है, जिसका संबंध आपकी ओजस्विता और तेजस्विता से है, उस प्रकार का इंस्ट्रूमेंट जो कि शुद्ध चांदी का बनता है, इसको आम भाषा में पायल कहा जाता है, पाइजेब कहा जाता है, अंग्रेजी भाषा की यदि बात करें तो इसको एंकलेट भी कहा जाता है। चांदी सदा से ही भारत में पहनी आती रही है, बहुत लोग इसको धारण करते हैं। यह भारत ही नहीं अपितु पूरी ही दुनिया में पैरों में धारण की जाती है पायल के रूप में। अब चांदी का ही चुनाव क्यों करा? जो हमारे ऋषि थे उन्होंने चांदी पर ही इतना क्यों जोर डाला कि आप अपने पैरों में चांदी ही धारण करें? आखिर कुछ तो विज्ञान इसका है ही, और वो विज्ञान कोई सामान्य या सादा विज्ञान नहीं है, वो बहुत ही उन्नत विज्ञान है जिसको वर्तमान का विज्ञान भी अभी तक खोज नहीं पाया है। यह ऋषियों की वाणी रही है। हम बहुत खुशकिस्मत हैं जिन्होंने भारत में जन्म लिया है। भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ पर असीम, अनलिमिटेड, या मैं कहूँ इतना ज्ञान गंगा की तरह बहा है जिसे लोगों ने लूट कर एक पूरी दुनिया, एक पूरा देश खड़ा कर दिया। यदि हम वेस्ट की बात करें यानी कि पश्चिम की बात करें तो अधिकांश ज्ञान का हिस्सा वे लोग भारत से ही लेके गए हैं और भारत से ले जा करके उन्होंने बहुत बड़ी सत्ताएं खड़ी कर ली है। खैर ये सब जो बातें जो भी हम इस पर बात कर रहे हैं, हम आज का हमारा चूँकि मूल चर्चा का विषय है वो है चांदी की पायल। आखिर क्या कारण है कि प्रत्येक स्त्री इसको धारण करती है? आखिर क्या कारण है कि 16 श्रृंगार में इसको भी एक महत्वपूर्ण स्थान मिला है? चांदी के अंदर एक ऐसी ऊर्जाएँ हैं जो ऊर्जाओं को फेंकती है, मेटल जैसा कि काम करता। हम पहले भी इस पर एपिसोड बना चुके हैं। चांदी का काम क्या है? चांदी आपके शरीर की ऊर्जाओं को अर्थात नियंत्रित करने का तो काम करती ही है, साथ ही में भूमि से जो ऊर्जाएं मिलती हैं उनको अवशोषित कर करके धारककर्ता को यह प्रदान करती है। मेटल का काम हमेशा, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, एनर्जी थ्रो करना है। तो हमारे शरीर में आवश्यक तापमान को मेंटेन करना बहुत आवश्यक रहता है, तो मेटल्स उसमें बहुत अच्छा काम करते हैं। जैसा कि बताया गया है शास्त्रों में कि शरीर में सर्दी की भी आवश्यकता होती है और गर्मी की भी आवश्यकता होती है, तो जब ठंड की आवश्यकता होती है जितने हिस्से की उतना ही हिस्सा चांदी हमारे को प्रदान करता है। तो चांदी को आप एक इंस्ट्रूमेंट की तरह मानिए, चांदी एक इंस्ट्रूमेंट की तरह काम करती है। जैसा कि जिस धारणकर्ता ने इसको पैरों में पहना तो होगा क्या, भूमि से जो ऊर्जा लेके देनी है व्यक्ति को पहनने के लिए, पहनने के पश्चात जो ऊर्जा भूमि से देनी है, चांदी उसको एक रेगुलेटर की तरह, या यूं कहूं एक ट्रांसफार्मर की तरह कंट्रोल करती है। जैसे बहते तारों में से जब बिजली आती है तो ट्रांसफार्मर्स लगाए जाते हैं ताकि उस बिजली की गति को नियंत्रित किया जा सके। जहां पर 440 वोल्ट का करंट देना है वहां पर 440 वोल्ट ही दिया जा सके। ठीक उसी प्रकार हमारे शरीर को, एक व्यस्क शरीर को जितनी ऊर्जा की आवश्यकता धरती से है, उतनी ही ऊर्जा धरती से आए, अनावश्यक रूप से ज़्यादा ऊर्जा ना आए या कम ऊर्जा ना आए, दोनों ही अवस्थाओं में चांदी का जो ये इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम पायल कहते हैं वो स्त्रियों के लिए बहुत अच्छा काम करता है। तो इस प्रकार से यह एक बहुत बहुत ही कमाल का विज्ञान है। बहुत लोगों को नहीं मालूम कि ये क्या चीज़ें होती हैं, क्या इसका महत्व है। आज इस फैशन के युग में स्त्रियां, कन्याएं पतली पतली पायल पहनने लगी हैं जिसको कि नाम दे दिया गया है ट्रेंडी पायल, जिसको कि नाम दे दिया गया है कि फैशन का हिस्सा है। यह सब आपकी सेहत को ख़राब करने वाला है। यहाँ तक कि स्थितियाँ इतनी ख़राब हो चली हैं कि आजकल की स्त्रियाँ अपने पैरों में काला धागा बांध लेती हैं और उनको लगता है कि ये बहुत कमाल की चीज़ हो गई है, जबकि ऐसा नहीं है। 16 श्रृंगार में यदि चांदी के रूप में पायल को पहना गया है तो निश्चित रूप से उसका कोई ना कोई वैज्ञानिक कारण होगा ही होगा। और जब से हम धातुओं में काम कर रहे हैं तो एक ही नहीं अनेकानेक अनुभव हम लोग कर चुके हैं, हज़ारों लोगों को पहना कर देख चुके हैं, इनका परिणाम बड़ा कमाल का आता है। और मैं इस चीज़ के लिए आप लोगों का तो धन्यवाद करता ही हूँ, किंतु मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ, उन ऋषियों का धन्यवाद करता हूँ जिनकी वजह से हम इन सब का अध्ययन कर पाते हैं, जिनकी वजह से हम श्वास ले रहे हैं, भारत को आज़ाद हुए,
जिनका योगदान रहा है भारत को आज़ादी दिलाने में, उनका भी मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। और ख़ास तौर से मैं उस ईश्वर को धन्यवाद करता हूँ जिसने मुझे भारत भूमि पर जन्म दिया, क्योंकि इसी कारण से यदि इस सभ्यता को, इस वैदिक धर्म का अध्ययन यदि हम नहीं करते तो हम कैसे आप लोगों को बता पाते कि हम इतने जबरदस्त, इतने दमदार और इतने ताकतवर एक धर्म के अंतर्गत जन्मे हैं। एक ऐसी धरती पर हम लोगों ने जन्म लिया है जहाँ के ऋषियों ने हमेशा मानवता का कल्याण ही कल्याण चाहा है, तो यह भी उसी का हिस्सा है। चांदी जो इंस्ट्रूमेंट है आपको, जैसा कि मैं बता रहा हूँ, पायल, पहले हमने जो एपिसोड बनाया था वह कड़े के ऊपर बनाया था। जैसे पुरुष की हम बात करें तो वह हाथों में कड़े पहन सकते हैं, अपने दाएं हाथ में यानी कि राइट हैंड में वो कड़ा पहन सकते हैं। साथ ही में यदि पैरों की बात करें तो पुरुष एक ही पैर में, अपने राइट पैर में यानी कि सीधे पांव में एक कड़ा धारण कर सकता है। तो जब इस एपिसोड के माध्यम से आप लोगों की तरफ से बहुत सारी ऊर्जाएं हमको प्राप्त हुई, आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स हमको दिया, उसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ। किंतु वहीं पर लोगों ने यह भी बात कही कि आप पायल क्यों नहीं बनाते हैं, आप क्यों शुद्ध पायल नहीं बना पाते हैं। तो उसी चीज़ को, कमी को दूर करने के लिए हमने पूरा प्रयास करा, अभ्यास किया और आखिरकार हम लोग 99% शुद्ध पायल को बनाने में सफल हुए। संभवतः बन सब कुछ सकता है, हो सब कुछ सकता है, लेकिन व्यक्ति की नीयत होनी चाहिए। यदि व्यक्ति इच्छा शक्ति से, पूरे दबाव से, पूरी ऊर्जा से यदि काम करे तो हर काम संभव हो सकता है। तो यह मापदंड है कि आपको यदि पायल पहननी है, पायल धारण करनी है, तो वह शुद्ध चांदी की हो, तभी वह एक इंस्ट्रूमेंट की भांति काम करेगा। यदि आप शुद्ध चांदी की पायल धारण करते हैं तो निश्चित रूप से आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, आपकी मन ग्रंथियाँ ठीक रहेगी, आपकी डिसीजन मेकिंग पावर बढ़ती चली जाएगी, आपकी बोलने की क्षमता, आपके प्रेजेंटेशन की क्षमता, यह सब बढ़ती चली जाएंगी। इतनी ताकत है चांदी में। चांदी कितने प्रकार की होती है वो हम आपको पहले दूसरे एपिसोड में बता चुके हैं, उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जिनको देखना हो वो वह देख सकते हैं, पूरी बात दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। अब हम चूंकि बात कर रहे हैं कि चांदी का पायल एक इंस्ट्रूमेंट के तौर पर काम यदि करता है तो क्या उसके गुण होने चाहिए, क्या हम उसमें देखें और किस प्रकार से वो दैनिक जीवन में स्त्रियों का जीवन के लिए एक उद्धारक इंस्ट्रूमेंट साबित हो सकता है, आज हम उसी पर बात कर रहे हैं। तो माताओं और बहनों को जो भी स्त्रीगत समस्याएं होती हैं उसके अंतर्गत भी पायल बहुत अच्छा काम करती हैं, क्योंकि कई प्रकार की नसों को, हमारे पिंडलियों के पास में जो नसें होती हैं उनको ये दबाती हैं, उन दबाव के कारण स्त्रियों का गर्भाशय एकदम स्वस्थ रहता है, तो इसलिए इतनी महत्वपूर्ण है पायल। स्त्रियों के अंतर्गत शरीर भले ही कमज़ोर हो लेकिन जिस प्रकार से उनका मन ईश्वर ने बहुत मजबूत बनाया है, उसी प्रकार से हम यदि पुरुष की बात करें तो उसका शरीर भले ही पुष्ट हो, दृढ़ हो, किंतु उसका जो मन है वह मन चला है। अर्थात जितनी ताकत एक स्त्री के मन में होती है उतनी दृढ़ता पुरुष के मन में नहीं होती है। तो उस दृढ़ता को बनाए रखने के लिए, उसमें और जोर देने के लिए, क्योंकि एक स्त्री ही है जो एक पूरे परिवार को संभालती है, बच्चों से लेकर बड़ों तक, अपने पति को, सास ससुर को, घर के सभी सदस्यों को वह संभालती है, सारा दायित्व उसका होता है, तो उसका स्वस्थ रहना बहुत आवश्यक है। तो उसी स्वास्थ्य को देने में सक्षम ये इंस्ट्रूमेंट है जिसको चांदी की पायल कहा जाता है। तो इस प्रकार से वैदिक सभ्यता में इतनी ढेरान चीज़ें हमारे ऋषियों ने दी हैं, उन्होंने बताया है, बस देरी है तो इनको प्रयोग करने का और इसके पीछे छिपे विज्ञान को जानने का। यदि भारत में रहकर भी आप यह सब नहीं जान पाए तो यह दुर्भाग्य ही कहलाएगा। भारत में रहकर यदि आप इन सब चीज़ों को जान लेते हैं तो आपको ऐसा अपार आनंद का अनुभव होगा, जैसे मान लो हम कितने खुश नसीब हैं, हमारा जो भाग्य है वह कितना प्रबल है, इस प्रकार की अनुभूति बार बार आती है, क्योंकि भारत में ताकत ही इतनी है। खैर आइए हम आपको बताते हैं कि पायल के अंतर्गत हमने दो तरह की डिज़ाइनें बनाई हैं, वह डिज़ाइनें क्या हैं, किस प्रकार से बनी हैं और कैसे हम सक्षम हुए या कैसे हम सफल हुए कि इसकी शुद्धता 99% हमने मेंटेन करी। दरअसल होता यही है कि चांदी के अंतर्गत जब ये पायल के रूप में आती है तो तारों को जोड़ा जाता है, जैसे तार और कड़ियाँ इनको जोड़ा जाता है, जोड़ जोड़ कर ही पायल बनती है। संसार की जितनी भी पायल हैं वो इसी प्रकार से बनाई जाती हैं। अब जो पहला चैलेंज है वो यह है कि कुछ ऐसी डिज़ाइन की खोज करी जाए जिसके अंदर का जोड़ने की जो नौबत है वो कम से कम आए, यानी कि आपको हर कड़ी में ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ने की आवश्यकता ना पड़े, क्योंकि जब पायल जुड़ती है तो उसके ऊपर हमारे को टांका लगाना पड़ता है। टांके का तात्पर्य होता है हमने उसकी वेल्डिंग कर दी, तो वेल्डिंग जब करेंगे तो वेल्डिंग सेम मेटल से नहीं होती है, उसमें थोड़ा सा जिंक और थोड़े से सिल्वर, इन दोनों का मिक्सचर बनाया जाता है, उससे उसको टांका लगाया जाता है, उसको टांका कहते हैं। तो अब करा क्या, होना क्या था, जैसे मान लो एक ये कड़ी है, इसको गोल कड़ी ली, ये कड़ी का मुंह खुला है, इसको बंद करना है,
तो बहुत हल्का हिस्सा हमने इसके मुंह के ऊपर जोड़ने के प्रयास किया जिससे अशुद्धता ना आए। तो जब इस प्रकार की डिज़ाइन बनाई गई और इसका परीक्षण जब हमने भारत सरकार की लेबोरेटरी में करवाया तो उन्होंने भी 1000 में से 990 नंबर हमको दिए हैं, यानी कि BIS हॉलमार्किंग हम लोगों ने इस पर करा ली है। क्योंकि प्रमाण सिर्फ मेरे बोलने ही से नहीं अपितु एक वैज्ञानिक प्रमाण भी होना वर्तमान युग में आवश्यक है, और भारत सरकार की लेबोरेटरी ही यदि प्रमाण दे दे तो इससे बढ़िया क्या हो सकता है, यही सोने पे सुहागा कहलाएगा। तो आपको मैं बताता हूँ, जो मूल दो डिज़ाइन जिनमें कम से कम जोड़ की आवश्यकता पड़ती हो वह डिज़ाइन हमने बना ली है आखिरकार, और जिसकी शुद्धता 99% हो चुकी है, यानी कि 1000 में से भारत सरकार के BIS हॉलमार्किंग सेंटर ने हमें 990 नंबर दिए हैं, उसका पूरा प्रमाण आपको अभी मैं दिखाऊंगा। आप देखिए पहली डिज़ाइन जो है हमने जो बनाई है यह है इमरती पायल। मैं इमरती पायल की बात करता हूँ, यह इमरती पायल है, आपकी स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं। इमरती पायल में क्या विशेषता है? खैर पहली चीज़ तो आपको मैं यही बता देता हूँ कि इमरती जो है हालांकि एक मिठाई है और ये बहुत प्रचलित है, और जलेबी भी उसके समान मिलती जुलती एक मिठाई है जो कि बहुत प्रचलित है, लेकिन दोनों में अंतर देखिए आप। जलेबी आपके सेहत को नुकसान देती है क्योंकि वो मैदा से बनती है। दूसरा, वह भारत की मिठाई भी नहीं है, जलेबी भारत की नहीं है, यह ईरान इराक इत्यादि अफगानिस्तान इत्यादि देशों से आई है, और जहाँ पर खाने पीने को ना औषधियाँ हों ना पीने को पानी हो ऐसी जगह पे वो लोग इस दृष्टिकोण से नहीं बनाते हैं कि स्वास्थ्य मिले उनको, तो जो मिल जाए पेट भरने के लिए वो बना दिया, इस तरह से जलेबी का आविष्कार हुआ। वहीं हम यदि इमरती की बात करें, चूँकि ये मिठाई भारत की है और उड़द से ही इमरती बनती है, तो उड़द की दाल एक बहुत पौष्टिक दाल है, उसके सभी गुण उसमें समाहित हैं, और इमरती भारत की ही मिठाई है, तो उसी के आधार पर हमने एक डिज़ाइन का चुनाव किया जिसको कहते हैं इमरती पायल। जिस प्रकार से भारत की मिठाई इमरती स्वास्थ्य देने में सक्षम है, वैसे ही उसी की डिज़ाइन की इमरती पायल भी आपको एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट के रूप में तैयार होकर के मिलेगी जो आपको स्वास्थ्य देने में सक्षम है। आप देखिएगा इसको, इस प्रकार से इसकी डिज़ाइन बनाई गई है और ये कहीं से भी चुभने वाली नहीं है, इस प्रकार से इसको बनाया गया है। साथ ही में दूसरी डिज़ाइन जो हमने बनाई है इसको कहते हैं अट्ठा पायल। यह देखेंगे आप, यह अट्ठा पायल है, अट्ठा पायल भी आपको स्वास्थ्य देने में सक्षम है, और इसमें भी जोड़ों की संख्या बहुत कम है जिसके कारण 99% शुद्धता मेंटेन हो पाई है। तो ये जो दो डिज़ाइन आपको मैं दिखा रहा हूँ ये अट्ठा पायल कहलाती है और ये इमरती पायल कहलाती है। तो इमरती पायल में भी बहुत ताकत है और अट्ठा पायल में भी बहुत ताकत है। ताकत होने का कारण सिर्फ एक ही है, इनकी शुद्धता का स्तर जो है वो 1000 में से 990 जो कि भारत सरकार की BIS लेबोरेटरी ने दिया है। आप देखना चाहेंगे तो वो एक प्रमाणीकरण भी करते हैं, जिसकी वो जांच करते हैं उसी पर वो लोग लिख देते हैं कि इसकी शुद्धता कितनी है। तो आपको मैं दिखाना चाहूँगा, ये पायल के पीछे का हिस्सा मैं आपको दिखा रहा हूँ, जैसे इमरती पायल हमने ली इसके पीछे का हिस्सा है, यहाँ पर आप इसमें गौर से देखेंगे तो इसमें लिखा हुआ है 990, इसमें लिखा हुआ है 990 चक्रधारी, यानी कि चक्रधारी को उन्होंने 1000 में से 990 नंबर दिए हैं, और ये BIS का एक हॉलमार्क भी उन लोगों ने यहाँ लगा दिया है। ये एक पायल की बात हुई, दूसरी पायल में भी इन्होंने ऐसा ही करा है, ये आप देख सकते हैं ये हॉलमार्किंग हो गई है। अर्थात ये आपको इमरती की दिखाई, दूसरी जो अट्ठा पायल इसमें भी आप देखेंगे तो हमको भारत सरकार ने यह देखिएगा आप 990 नंबर दिए हैं चक्रधारी को, 990 नंबर 1000 में से शुद्धता के मिले हैं। तो ये एक पायल और इसी का दूसरा भाग पायल, इस पर भी उन्होंने 990 नंबर दिए हैं। तो इस प्रकार से हमने जब इस चीज़ को मेंटेन करा तो ये एक आनंद की अनुभूति हमको भी देता है कि हम एक ऐसी चीज़ बना पाए जो वास्तव में लोगों के जीवन में काम आ सके। क्योंकि वर्तमान में जो पैसा कमाया जाता है, आपका एक भी पैसा खर्च अनावश्यक रूप से नहीं होना चाहिए। आपने यदि किसी चीज़ को धारणा को बना करके यदि आपने अपना अर्थ खर्च किया है तो कुछ ना कुछ परिणाम आपको उसका मिलना ही चाहिए, उसका रिटर्न आपको मिलना ही चाहिए। इस दृष्टिकोण से हमने जो है ये पायल बनाई है ताकि आप आसानी से उसको पहन सकें। जिन माताओं को दिक्कत हो रही थी कड़ा धारण करने में, अब उनको यह परेशानी नहीं होगी और उतनी ही शुद्ध पायल आपको जो है पैरों में धारण करने को मिलेगी। अब एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, इसके अंतर्गत हम लोगों ने घुंघरू नहीं लगाए हैं। घुंघरू क्यों नहीं लगाएंगे? उसका कारण यही है कि घुंघरू जब बजता है, जब उसकी आवाज़ आती है छम छम की, तो उसके अंतर्गत मिलावट का होना अति आवश्यक है, और जब मिलावट उसमें कर दी जाएगी तो फिर वो देह खराब हो जाता है जिस देह पे हम लोग काम कर रहे हैं, इसलिए हमने इसमें घुंघरू नहीं लगाए हैं। जिन लोगों को केवल फैशन के लिए या सजावट के लिए चाहिए तो पूरा बाज़ार पड़ा है, भरा पड़ा है इन चीज़ों से, आप वहाँ से ले सकते हैं। जिनको अध्यात्म संबंधित कुछ ऊर्जाओं की आवश्यकता हो, चूँकि चांदी की पायल आपके शुक्र पे भी काम करती है, आपके बुध ग्रह पे भी काम करती है, आपके गुरु ग्रह पे भी काम करती है, आपके राहु केतु पे भी काम करती है, आपके चंद्र ग्रह पे भी काम करती है, आपके शरीर के चक्रों पे काम करती है, तो इतने सारे जब लाभ आपको लेने हो
तो निश्चित रूप से चांदी का शुद्ध होना आवश्यक है, और वह तभी होगा जब आप अधिक से अधिक शुद्धता की वस्तु अपने शरीर पर धारण करें, तभी वह चीज़ काम करेगी, नहीं तो वह चीज़ फैशन की होकर के रह जाएगी। अब हम आपको यह नहीं कहते कि आप हमसे ही लो, किंतु हमने आपको एक मापदंड बताया है। आप जिनसे भी लो, अपने खानदानी ज्वेलर से भी यदि आप लेते हैं, तो आप उनको ये चीज़ कही है कि हमारे को आप ज़्यादा पैसे लो, किंतु हमारे को शुद्ध पायल बना करके दो, 99% शुद्धता की पायल बना करके दो। तो जब आप ये शुद्धता मेंटेन करेंगे तो निश्चित रूप से आपको उसका लाभ होगा। तो ऐसी अवस्था में आपको लगता है कि ये चीज़, ये सूचना जो मैंने आपको आज दी है वो आपके किसी काम की है, तो निश्चित रूप से आप हमें सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और यदि आप चाहते हैं ये पायल मंगाना, तो हम भी देते हैं, हम आपको भेज देंगे डाक के माध्यम से। और आप चाहें तो आपके स्थानीय क्षेत्र में भी आपके जो पारिवारिक जो ज्वेलर हैं उनसे भी आप ये बनवा सकते हैं, किंतु मेरा निवेदन यही है कि आप जो भी पैसा खर्च करें उसका परिणाम, उसका रिटर्न आपको मिलना चाहिए, आपको स्वास्थ्य मिलना चाहिए, और निश्चित रूप से जो एक इंस्ट्रूमेंट के रूप में काम करता है वह काम आपका होना चाहिए। और आप अपने अंतर्मन से कह सकें, आप उस विज्ञान को धन्यवाद दे सकें कि हमने भी भारत भूमि पर जन्म लिया है। अब आपको मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, क्योंकि हमने पायलों की बात करी, तो होता यह है पायल भी जो है बाहरी वातावरण से कुछ ना कुछ नकारात्मक ऊर्जाओं को अपने अंदर सोखती जाती है, क्योंकि नज़र दोष से बचाएगी, आपको नकारात्मक ऊर्जा से बचाएगी, तो वो सब चीज़ें जाएंगी कहाँ, यह उनको अपने अंदर अवशोषित कर लेती है, तो उसको भी खाली करना आवश्यक है। तो आप प्रत्येक 2 महीने के भीतर, देखिए ये रजत प्रभा पत्थर है, इसको रजत प्रभा बोलते हैं, यह प्रकृति ने बनाया, धरती माता ने बनाया, रजत प्रभा इसको बोलते हैं। आप रजत प्रभा के साथ इन पायलों को रख दीजिए, एक ही दिन में जो भी नकारात्मकता चांदी के अंदर समाहित होगी वह रजत प्रभा में ट्रांसफर हो जाएगी। रजत प्रभा की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, यह अधिकाधिक नेगेटिविटी को अपने अंदर सोखने में सक्षम है। पश्चात रजत प्रभा को आपको क्या करना है, जैसे हमने इसको तो शुद्ध कर दिया, पायल का हमने शोधन कर दिया, ये पायल जो है इसकी नेगेटिविटी इसमें समाहित हो गई, रजत प्रभा को हमने भर दिया। पश्चात आपको रजत प्रभा को धूप में रख देना है, इससे क्या होगा, धूप आकर के रजत प्रभा की ऊर्जा मिलकर के, दोनों चीज़ें मिलकर के नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त कर देती है, यह ताकत धरती माता की है। तो इस प्रकार से रजत प्रभा भी आप अपने साथ रखिए। रजत प्रभा ना ही केवल पायल अपितु हर मेटल को शोधन करने में काम आता है, अपितु हर प्रकार के रत्न इत्यादि को शोधन करने के काम आता है, अपितु रुद्राक्ष की भी ऊर्जाओं को ये बढ़ाने में काम आता है। हर प्रकार की नेगेटिविटी को सोखने के लिए रजत प्रभा का पत्थर का निर्माण ईश्वर ने किया है। तो ये सब चीज़ें साइंटिफिकली प्रूव होती हैं, ये सब चीज़ें वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बहुत गजब का काम करती हैं। तो ये चीज़ें हमने आपको बताई, मैं पुनः आपसे निवेदन करता हूँ कि यदि आपको लगता है कि एपिसोड किसी काम का है, तो आप हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इनमें से किसी वस्तु की आवश्यकता हो तो आप हमसे सीधे संपर्क कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9887917255। देर सवेर ही सही, किंतु आपको प्रत्युत्तर ज़रूर दूंगा, और बहुत सारे कॉल्स आने के कारण मैं आपका फ़ोन नहीं उठा पाता हूँ, उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, किंतु व्हाट्सएप पर जितने भी संदेश आते हैं हम यथाशक्ति के साथ में उनको ज़रूर, अवश्य, हो सकता है कि घंटे 2 घंटे लेट हो जाएं, हो सकता है कि 3-4 घंटे लेट हो जाएं, किंतु प्रत्युत्तर प्रत्येक व्यक्ति को हम लोग अवश्य ही देते हैं। तो आज के लिए इतना ही, अगली बार पुनः मिलेंगे आपके साथ में नए एपिसोड के साथ। जय चक्रधारी।